हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम पूनम चिल्ड्रन किचन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए फरे की रेसिपी लेके आई हूँ। फरे कुछ लोगों के लिए नया शब्द होगा, बट ये खाने में बहुत अच्छी लगेगी। जैसे हम गुजिया बनाते हैं ना, सेम, बट ये नमकीन गुजिया है। इन्हें हम दाल भर के बनाएंगे, बहुत अच्छी लगती है, हेल्दी रेसिपी है। बहुत ही तेल तो लगेगा ही नहीं इसमें, बहुत ही की तो बात ही नहीं है, बिना तेल के ही हम इसको रेडी करेंगे। चलते हैं इस रेसिपी को देख लेते हैं। दाल के फरे बनाने के लिए हमने 1 कप ये दाल ली है, चने की दाल है। इसको मैंने 3-4 घंटे सोक किया था पानी में और उसके बाद इसको निकाल लिया है। 1 घंटा हो गया है इसको निकाले हुए, जिससे कि ये ड्राई हो गई, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। और अब इसको हमें इसके साथ में ग्राइंड करना है। ये मैंने 1 छोटी स्पून अजवाइन लिया है और ये मैंने 1 छोटी स्पून ही सौंफ ली है। ये बड़ी वाली इलायची है जो कि मसाले में यूज़ करते हैं, अगर है तो आप इसको डाल लें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसके सिर्फ सीड्स डाल लें, ऊपर का कवर ना डालें। ये मैंने अदरक ली है 1/2 इंच का टुकड़ा, उसको छोटा छोटा काट लिया है। 10-12 लहसुन की कलियाँ हैं, इनको छील कर रेडी कर लिया है। हम सबसे पहले मसाला रेडी करेंगे, तो सारी चीज़ें हमें जार में डाल देनी है। लहसुन को भी डाल दिया और थोड़ा सा ये जो चने हैं ये डाल देंगे, क्योंकि क्वांटिटी बहुत कम है मसाले की, ऐसे पीसना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा जार में। अगर आपके पास सिलबट्टा है तो आप सिल पर भी पीस सकते हैं। देखिए मसाला मैंने पीस के रेडी कर लिया है, अब इसको हम बाउल में निकाल लेते हैं। और सेम जार में हम जो दाल है उसको भी पीस कर रेडी करेंगे। इसमें कोई ये नहीं है कि अगर बहुत महीन नहीं हो रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं है, कुछ बहुत अगर दाल के कण आ रहे हैं, दाल पूरी फुल है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको भी हम बिना पानी के ही पीसेगा, पानी बिल्कुल ना यूज़ करें इसमें। ये देखिए दाल भी हमने पीस ली है और इसको आप बंद करके थोड़ा थोड़ा जैसे पल्स मोड में पीसते हैं उस तरह से आप रेडी करिएगा, क्योंकि इसमें पानी नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। और ये देखिए दाल कुछ कुछ रह गई है, इससे कोई नहीं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है दाल का भी। अब इसको बाउल में निकाल लेते हैं। अब इसमें कुछ ड्राई मसाले ऐड करेंगे, 1 छोटी स्पून ये धनिया पाउडर और 1/2 छोटी स्पून चिली पाउडर हम डालेंगे। चिली पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और 1/2 छोटी चम्मच हमें गर्म मसाला पाउडर डालना है। 1/2 छोटी चम्मच नमक डालना है, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। थोड़ा सा मैंने ग्रीन कोरिएंडर चॉप किया है, इसको भी इसमें डाल दें, अगर है तो डालें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए हमने मसाला बिल्कुल इसका मिक्स कर दिया है अच्छे से। इसको साइड में रखते हैं और इसका डो रेडी कर लेंगे। ये मैंने 1 कप गेहूँ का आटा लिया है और इसको हमें गूंथ लेना है, जैसे रोटी का आटा हम गूंथते हैं बस उसी तरीके से, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें इसको गूंथ लेना है। देखिए डो मैंने बना के रेडी कर दिया है, इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। एक पैन में मैंने पानी लिया, अब इसमें 1 छोटी चम्मच हम सॉल्ट डालेंगे और 1 चम्मच ही हमें इसमें रिफाइंड ऑयल डालना है। अब पानी में एक बॉयल आएगा जब तक हम अपने फरे रेडी करते हैं। मसाले की फिलिंग तैयार की है, इसको इस तरीके से लेना है हाथ में और 1/2 स्पून, 1/2 स्पून से भी कम, जितनी बड़ी आपकी ये लोई है उसके अकॉर्डिंग हमें इसको सेंटर में रखना है इस तरीके से। और इस तरीके से इसको आप चपटा करें थोड़ा सा और इनको आप इस तरीके से दोनों भागों को ऐसे मिला देंगे। ये देखिए पूरा एक साइड से पूरा हमें इसकी सील पैक कर देनी है। अभी नीचे का भाग है, इसको भी हमें इस तरीके से ये
देखिए गुजिया शेप में रेडी हो गई है, कितना अच्छा लग रहा है। इसी तरीके से हम सभी को रेडी कर लेंगे। एक बार और ध्यान दें आप, ये जो हम सील पैक कर रहे हैं इसको बहुत अच्छे से दबाएं, क्योंकि इनको जब हम पानी में बॉईल करेंगे और ज़रा सा भी कहीं पे लीक हुआ तो ये पानी में फैल जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको एक बार दो बार करके अपने हाथों से अच्छे से दबा दें। देखिए पानी अच्छे से खोल गया है और हमने इनको भी बनाकर रेडी कर लिया। सारे फरे बहुत अच्छे से रेडी हो गए हैं। अब इनको हम खोलते हुए पानी में डाल देंगे। धीरे से डालें, पानी बहुत गर्म है, सावधानी से। गैस का फ्लेम डालते वक्त थोड़ा सा स्लो कर लें। देखिए ये अभी पानी के तली पे हैं और जैसे ही ये पक जाएंगे तो जितना मुश्किल से हमें लगता है इसको पकने में 3 से 4 मिनट लगेगा। आप मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएं और जब पक जाएंगे तो पानी में ऊपर अपने आप तैरने लगेंगे। यही इसकी पहचान है कि अच्छे से पक चुके हैं। ये देखिए ऊपर आ चुके हैं, लेकिन अभी भी इन्हें हमें 1-2 मिनट अच्छे से पकाना है। स्पून की हेल्प से आप इसको थोड़ा सा पुश कर दें तो ये अलट पलट कर पूरे अच्छे से पक जाएंगे। ये देखिए बिल्कुल पक गए हैं और सब ऊपर आ चुके हैं। अब इस टाइम पर हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। अब इन्हें हमें पानी से अलग करके एक अलग बाउल में निकाल लें। ये देखिए खाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। बट अगर इसमें से थोड़ा सा हम इनको फ्राई कर देंगे 1/2 स्पून ऑयल में तो और भी टेस्ट इसका बढ़ जाएगा। ये देखिए पानी से इनको बाहर निकाल लिया है। इस स्टेज पे भी आप अगर फ्राई नहीं करना चाहते हैं आप खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखने में बहुत अच्छी गुजिया लग रही है हमारी, ये नमकीन नमकीन गुजिया रेडी है। बस इनको हल्का सा हमें फ्राई करना है। ये देखिए हमने पैन लिया है, इसमें 1 चम्मच ऑयल डाल दिया है। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा हम इसमें 1 छोटे स्पून जीरा डाल देंगे। तेल गर्म हो गया है, ये जीरे को हम डाल देंगे और इसको बस थोड़ा सा पकाना है हमें। गैस का फ्लेम मीडियम टू स्लो रखना है हमें और अब हम अपने जो फरे हैं इसमें ट्रांसफर कर देंगे। जितने आपको खाने हैं आप एक बार में उतने ही फ्राई करें, एक्स्ट्रा आप रख दें। जब आपको खाने का मन हो तब इनको फ्राई कर सकते हैं। देखिए इनको इस तरह से डाल के आप हल्का हल्का हिला लें जिससे कि ये बराबर सिक जाए। अब इनको इस स्पैचुला की हेल्प से हमें इस तरह टर्न कर देना है। ये देखिए सभी मैंने पलट दिए हैं, इनमें कलर भी कितना अच्छा आ रहा है, हल्का हल्का गोल्डन हो गया है। बस जैसे ही ये उस साइड भी हो जाते हैं इनको हम हटा लेंगे। गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है, बस 1-2 मिनट ही इनको हमें फ्राई करना है। देखिए थोड़ा सा तेल ज़्यादा भी हो गया था एक्स्ट्रा, वो साइड में ही हो गया, पूरा निकल गया है। कोई बात नहीं, आप कम से कम तेल यूज़ करें इसमें और इनको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए मैंने ग्रीन चटनी के साथ में इसको सर्व किया है, खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। एक गुजिया मैं आपको काट के दिखाती हूँ, देखिए कितना अच्छा रेडी हुई है ये। ये नाइफ से आप इस तरीके से इसको कट करें, ये देखिए लग रहा है ना खाने में, बिल्कुल लग रहा होगा मन की हाँ चलो खा लेते हैं। ये देखिए अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। तब तक ले बाय।